ये खीरे हैं क्या है? खीरा। और ये इधर की तरफ ये काशी फल है, ये लौकी है। ये काशी फल है, ये लौकी है। अच्छा, तो ये टमाटर है। ये फसल कितने दिन की रहवे ताऊ जी? ये कम से कम 3 महीना चलेगी। 3 महीना चलेगी। तो पानी हाथ से ही लगाना पड़े या बोरिंग से लगाना पड़ेगा? अब तो फिलहाल हाथ से लगाना पड़ेगा। अब हाथ से ही लगाना पड़ता है। तो बोरिंग करवाना पड़ेगा या वैसे ट्रैक्टर में जोड़ के जुलाम है वही है? बोरिंग करवाना पड़ेगा साहब। पानी तो बहुत नीचे पे मिलता होगा यहाँ? यहाँ ऐसा समझा 6 फुट गहरे पे पानी। 6 फुट गहरे पे पानी तो काफी ऊंचा ही है पानी। 20 फुट बोरिंग कराना पड़ेगा। अच्छा, एक डब्बा एक गड्ढे में डालना पड़े? हाँ। ये तो बहुत मेहनत का काम है। अब जब तक बोरिंग ना हो रहा तो हाथ से ही लगाना पड़ रहा है। ये कुछ बेकार भी हो रहे तुम्हारे? ना, तो ना ना, ये अब फूल खिल के नहीं मुरझा होगा। अच्छा, फूल खिल के मुरझा गए, अब ये फल लगेगा इन पे? अब ये अब लगना शुरू हुआ है फल। अच्छा, वो दूसरी साइड में वो क्या बो रहे हो? वो टमाटर है। वो भी तुम्हारे हैं? हाँ। अब देखो ऐसे लगनी शुरू हो ही है ये। हाँ, ये स्टार्ट हो गए वो सूख के। अब ये इस तरीके रोज के बाद में चालू हो ले वो। 8 दिन पीछे फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये भैया देखो, खादर में जो सब्जियां होती हैं किस तरीके से लगाई जाती हैं और किस तरीके से उपजाई जाती हैं। ये नीचे सूखा सूखा वो डाल रखा ताकि घास वगैरह ना जमे। और अभी तुम्हें दिखाते टमाटर की। ये देखो काशी फल की। ये तरबूज। इस तरह की तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप करके ये जो लकड़ियां झुंड देख रहे हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इस पे बेल चढ़ सके। इस पे तो देखो फल भी आना स्टार्ट हो गया है। काफी शानदार तरीके से इन्होंने बोया हुआ है इसको। भाइयों, ये देखो टमाटर की खेती खादर में किस तरीके से की जाती है। टमाटर है, काफ़ी सब्जियां हैं जो खादर में रेत पे की जाती हैं। और ये देखो फल भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं। फूल भी आ रहे हैं, फल भी हैं। उनमें पानी लगाने की जो प्रक्रिया है वो ताऊ जी देखो अभी उनसे बात कराते हैं एक बार आपकी। वो लगा रहे हैं। ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। जो तुम वीडियो देख रहे हो गंगा अनूप शहर गंगा के किनारे की है, जेपी यूनिवर्सिटी के पास की। ये देखो फल। ज्यादातर पेड़ों पे फल आ चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से फसल ले रहे हैं।